आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी जबलपुर 7/10/2020 रात है। श्री समय सार जी मुजरा अधिकार विघ्नौ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मणिर्पासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुरिहा अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानानिजन सलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानिभूत्या चकासुते चिस्तु भावाय भावाय सर्वि भावान्तरच्छुते नन्दितु सर्व सिद्धे द्रोमचल्मणोऽवं गदेपते उच्चामि समय पाहुल मेमो सुदिकेवरी भणितम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत रचना है। इसमें निर्जराधिकार अपन 193 गाथा से पाठ करती हूँ और 196 गाथा आज पढ़ रहा हूँ। 193 निकाल उपभोग सभी लोग सामने साथ रखे साथ साथ पढ़ उपभोग मिंदेहिम दबाण मचीदाण मिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्ठी संसबर्णि जर्णिमित्तं चीतन अचीतन द्रव्यका भोग इंद्री समूह से जो जो करे सदृष्टि वैसव मेरे जरा कारण बनी दबे उपभोजन्ति नीमा जायदि सोहं वा दुःखं वा तमस्व दुःखमुदीर्णं विदधि यदि जरं जाति परद्रव्ये के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होए है मैंने उदित सुख दुख भोगता पे मेरे जरा हो जाए है। जय विषमोह जंतु विजो पुरी सोण मरण मोवे आदि मोगल कम सुधियम तो भुंजदिड़ी बच दीणी ज्यो जेरे की भोग सेवी वेद जन मरता नहीं यो दया कर में जो भोगतावी ज्ञानी जन बदता नहीं। 196 नय मज्जम पिबमाणो हरदि भावेण
मज्जदीन पुरिसो दमो भोगे अरिदु नानी मिण बज्जदै कहेबो ज्यो अरती भा जुमद पी कर मात जन बनता नहीं द्रव्योपभो के विषे अरत ज्ञानी पुरुष बनता नहीं। अब वैराग्य का सामर्थ्य सूचक काव्य कहती है, जैसे कोई पुरुष मद्यपान यानी मदिरा को अरति भाव से पीवन यानी पीता है मतवाला नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी जीव भी द्रव्य की भूख के प्रति अरत वैराग भाव में बरसता हुआ बंद को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ऐसी उल्टी उल्टी सी बातें लगती रोज की, पहले ही दिन से ऐसा पढ़ाना चाहिए जो इंद्रियों की भूख भूखता है उसकी निर्जरा होती है और जो भोगों को छोड़ता है तपस्या करता है उसे बंद हो। ऐसी कैसा ग्रंथ है भाई, कि ग्रंथ में गड़बड़ी है कि तुम्हारी आँख में चलती है ट्रेन तो चलती है तो अपन पर लगता है जैसे सारे पेड़ और खेत धो रहा है। छोटी सी दृश्य आई थी ना बम्बई की अंगूठ, तो कहती थी नाना जी देखो मैं घूम रही हूँ, लगता है जैसे कमरा घूमता तो वहां में पढ़ा घूमती मैं हूं और लगता है कमरा घूमता। ऐसे ये जीव की नजर है खोटी संयोग से देखो तो लगता है जैसे भोगों में छूट दे रहे हैं और त्यागी को निंदा कर रहे हैं। कैसा ग्रंथ भैया, भोगी नहीं लिख रहा है इस ग्रंथ को, परम वैरागी जीव लिख रहे हैं, पवित्र जीव लिख रहे हैं, महाव्रत के धारी लिख रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट जीव है जिनका मंगलाचरण में स्मरण किए। तो बातें कैसी चालू करी, इंद्रियों की भूख भूखता है कौन, और उसके साथ कुछ और लगा दिया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी जो अपने को भोगने वाला नहीं जानने वाला आत्मा मानता है, फिर उसके जो होता है वो करना नहीं चाहता, उसे जब भोगों में सुख दिखता नहीं है इतना आत्मा का सुख दिखता है तो उसे बंद कैसे हो। तो खेल काय का यहाँ पर नजर, तुम्हें जो दिखते हैं योगी उन्हें जिनवाणी कह रही भोगी, और जो तुम्हें दिखते हैं भोगी उन्हें जिनवाणी कह रही है योगी। अब तुम्हें और जिनवाणी में मेल बैठा लो कि हमें क्यों लगते भोगी, क्योंकि तुम काय से देख रहे, हमने साक्षात देखा आंखों से, कि आंखों से नहीं हृदय से केवल ज्ञानी से पूछ, सम्यक दर्शन से पूछ, वो चाहता है विषय नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता यानी अभिप्राय बदल गया, इसलिए आश्रव बंध ने भी अपनी करवट ली। चलो अटपटी सी बातें करती, 193 में ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टि के भोग न, अब 194 में ऐसा कहा, क्या कहा था कल है? कल क्या था, कल काय की महिमा बताई थी ज्ञान की, तो ज्ञान की महिमा में क्या बताया था, 194 भी तो निकल गई, सुख दुख भी होता है उसे, ऐसा नहीं है कि कोने में बैठा हो जंगल में और आंख बंद करके बैठ, नहीं नहीं जितना राग उतनी आग, उसे भी होती राग हो और दुख ना हो, साता बेदनी साता बेदनी में जुड़े उपयोग जुड़ता है सेवन करता है और तो भी हृदय नहीं। आत्मा क्या कहलाती है ये बताना, इन्हें ये नहीं बताना सुख दुख भूख नहीं बताना, इन्हें ये बताना कि आत्मा नाम का जो महापदार्थ है भगवान है ये कभी सुखी दुखी नहीं होता, साता साता के उदय में अनुकूलता प्रतिकूलता आत्मा के लिए कोई चीजें नहीं है। तुम कहो प्रतिकूल और अनुकूल, वस्तु अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती है, गे मात्र गे भी नहीं है, कहो तो गे सचमुच में तो वो ज्ञात है। 195 क्या कहता कौन बताएगा, विष खाता हुआ भी विष का असर नहीं होता, जहर खाता हुआ भी जहर असर क्यों नहीं होता,
तो कल क्या बताया था, ये ज्ञान की सामर्थ्य। क्या है ज्ञान की सामर्थ्य? कि वो विषैला पना यहाँ असर ना करे और रोग दूर हो जाए, ये कला उसके पास है वैद्य की। तो वो संखिया खिला देता है, कुनेन खिला देता है, अफीम खिला देता है और रोग दूर कर। इनमें तो कोई भी खाएगा तो मरे, कहते नहीं हम, हमारे पास कला है नहीं मरे। आग पकड़ता हुआ भी जलता नहीं, बिल्ली अपने मौक से अपने बच्चे को पकड़ती है और काटती है। क्या कला है? कि यही कला तो ज्ञानी की, वो रहता दिखता है जगत में पर उदासीन। आत्मा समझ में आ जाना यानी मोक्ष हो जाना, यही वो। सब स्वतंत्रता से पर न में देख मेरा मोक्ष हो गया, ज्ञान चेतना जग गई जीव भगवंत हो गया। एक बार ज्ञान को जागृत होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, अपना अस्तित्व कैसा है, हम कौन है, हमने मान क्या रखा, तुम्हें मानने से होता क्या। वहां मेंढक ने पूजा नहीं की वो देव हो गया, और यहाँ सामाय करता है मेंढक हो रहा, समझ में नहीं आता जैन धर्म कैसा है। पूजा नहीं की वो देव हो गया, अरे पूजा नहीं की नहीं, असली पूजा तो वही भक्ति भाव से भर गया हृदय पूजा चार, ऐसा ऐसा देखे ऐसा नहीं, हृदय उसका जुड़े क्या भगवान अकर्ता पना क्या क्रमबद्ध है, एक सूत्र ने हल कर दिया। क्या भगवान भाव भाव आप बता रहे हैं, तो तीन लोग का भाव बता दिया आपने, हे प्रभु आप महा महिमामन, ये अब कह नहीं रहा हो और भक्ति हुई। समझ जी जब अपने यहाँ पहली बार आए थे न, तो बोले एक बहू से कहा पति ने कि तुम रक्षाबंधन में जा रही हो तो हमें याद करोगी कि नहीं, कही तुम्हें कैसे भूल जाए, तुम्हें तो हर समय याद आए, किसी याद आई, अरे तुम मुमुक्षु हो, मंदिर ले जाते थे, ऐसी सुंदर समय सार की चर्चा सुनते थे, तो धन हो गए, हम याद नहीं करेंगे, दिमाग ही से नहीं उठे। और दूसरे से कहा कि तुम याद करोगे कि नहीं, तो वो कहने लगी जब टाइम होगा काम करते करते फुर्सत मिलेगी, ऐसा याद करना कहलाता, पढ़ने बैठना है। तो कल क्या उदाहरण दिया था डॉक्टर साहब, फिर भूल गए, जहर खाता हुआ भी क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि अपना उतना अटेंशन नहीं है, लगा हो ना तो कभी ना भूल, भूख रहे भोग हो रहे तो भूख हो रहे, यानी अभी वो जड़ की क्रिया भी नहीं रुकी, अभी वो राग भी नहीं रुका, और अभी वो उपयोग लगाना भी नहीं रुका, और रुचि बदल गई, रुचि बदल गई तो अपने को आत्मा देखता है, भोग ही नहीं। और एक ने बिना समझे और ये मूल सब घर छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दिया और आत्मा नहीं समझी, वो कहते हैं कि अभी नहीं समझी बारी शहर ने 12 साल तक बारी शहर के शिष्य कौन पुष्प डालने और समोसण में बैठा है, तो अभी अभी उसके सब त्याग होने पर भी वो कह रहे अभी भोगी, पत्नी दिख रही। बड़े पंडित जी के कल कल के प्रवचन में, कब का प्रवचन आया लास्ट में, उसने कहा एक गांव में कोई समझदार प्रोफेसर गया, उसने निवृत्ति लेने के बाद सोचा कि हम कुछ लोगों को समझाएं, गांव के लोग कुछ नहीं जानते, इन्हें पढ़ा तो पढ़ाने लगा, भोले लोग हैं तो पढ़ना चालू कर, कि भैया देखो खेती किसानी तो चल ही रही है, पढ़ लोगे तो क्या नुकसान। अब एक उसमें से ऐसा छटा छटा आया तो वो कह ले तो कैसे मूर्ख, पढ़ लिखे भी क्या करोगे, आखिर करोगे तो किसानी, तो पढ़े लिखे नहीं पर और नहीं पढ़ने में अंतर क्या है, तुम्हें तो दिमाग को वहीं लगाना, क्यों नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना ना बस। अब क्या हुआ, जिसने वर्ग लाया था उसी के भैया जो पढ़ता था शहर में, उसने तार भेजा कि भैया हम 2-4 दिन के लिए पिकनिक पे जा रहे हैं सिखरी की तरफ, तो इसलिए अब वो पढ़े ही नहीं, तो वो तार आया, तो तार यानी बहुत बड़ा अखबार, तो वो तो घबरा गए, अरे तार आया पता नहीं क्या हो गया भैया को, ऐसे दुखी हो गए वो, परेशान हो गए, न जाने क्या हुआ होगा, मर तो नहीं गया, बीमार तो नहीं हो गया, क्या हो गया, सारा वो रोने बैठे तो पत्नी और परिवार और मम्मी पापा सब ने इंतजाम किया, गए और वहां पर जाके देखा शहर में भाई साहब हमारा भैया बहुत तकलीफ में, फोन ने कहा तार भेजा था, फिर वो तो शिखर जी गया, तो उसने कहा कि खबर तो दे दो मम्मी पापा, गजब हो गया, आज पढ़े होते तो।
ऐसे ही आत्मा जानने के पहले ही हमने बिना समझे ही हमने कदम रखा। ऐसी आत्मा तो सभी जानते, वो इस शास्त्र से जानने नहीं कह रहे, तुम्हारे ज्ञान से ज्ञान को जानने कह रहे हैं। तुम्हारे पास अभी साधन है, ये थोड़े दिन बाद नहीं रहेंगे। अभी समझने की जितनी बुद्धि है ना सैनी पंचेंद्री, ये थोड़ी पर्याय खसकी और एकदम माहौल खत्म हो जाएगा। जीतू भाई मोदी ने ऐसी कहीं सी लाइन भेजी तू सज्जन कि 100 अरब जीव प्रतिदिन जन्म ली, ऐसा चालू था। अब किस आगम से लिखा, त्रिलोक सार से यहां से लिखा, 100 अरब जीव प्रतिदिन जन्म ली, उसमें से 99 अरब जीव त्रियंश गति में प्रतिदिन जा। क्या काम है, 100 अरब जीव प्रतिदिन यदि जन्मता है उसमें 99 अरब जीव तो कहाँ चला जाता है, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री सैनी पंच सैनी त्रियंश गति में। अब बचे 1 अरब, 1 अरब जीव में 99 करोड़ तो देवगति में चला जाए। सोचना जरा क्या कह रहे हैं। अब बचे कितने, 1 करोड़, 1 करोड़ जीव में 99 लाख जीव तो नरक में चला जाए। अरे कैलकुलेशन भूलोगे नहीं, हम पूछेंगे 100 अरब जीव में 99 अरब कहाँ भेज दिए, भेजे नहीं, गए भी। अपने मायाचारी का सबसे ज्यादा परिणाम होता है ना जीव, तो मायाचारी के पल में त्रियंशी गति बहुत सरलता से। अब 1 अरब में कितने भेज दिए देवगति में, 99 करोड़। तुम कह रहे देवगति मिलना कठिन है, ये कह रहे भाई साहब कसाय मंद हुई और उतर के आई बंधना हो ना तो उसे कोई ज्यादा तपस्या नहीं करना पड़ता देवगति, उसमें भी एक संचार। अब बचे कितने, 99 करोड़ चले गए देवगति में, अब 1 करोड़ बचे, तीन गति हो गई, अब 1 करोड़ बचे। 1 करोड़ में 99 लाख तो अजैन हो, अब कितने बचे, 1 लाख, 1 लाख में 99 हजार तो ऐसी भद्र मिथ्या दृष्टि होती है कि जिन्हें आदमी कहो पर ये अंदर आए ना आए उनको कोई भरोसा। अब कितने बचे भैया, 1000, 1000 में 999 तो भदैया जैनी जैसी होते हैं, पद्धति बुद्धि से जैनी कहलाते हैं, एक आदमी भद्र मिथ्या दृष्टि जैनी होता है जो तुम बैठे हो। समझ में आए, 100 अरब में 1 तुम हो और तुम्हें महिमा नहीं आती कि हम कितने ऊंचे, नहीं आती तो ये बात समझ में नहीं आई। वो बिना समझे पूजा कर लो पाठ कर लो सांस भरी, उसकी कोई रोक तो थोड़ी है। पर जैसे वो किसान कहता था अरे करना तो खेती ही, ऐसे ही कह रहे कि भैया पढ़ तो लो कि तुम कौन हो, फिर तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे विकल्पों में चलता, समझा। तो सरल चीजा मार्ग है और कोई तुम्हें सहज बताने आया और वो नहीं समझ में आया, तो अटपटी बात है, जगत को समझ में नहीं आती। ये भोग भोगने में नजर, ये भोग भोगने में नहीं, आत्मज्ञानी को नजर आ, अच्छे से पढ़ो। भोग होते दिखते है और उसका रस मर चुका, उसे इतना अच्छा लगता है अपना स्वावलंबन। निहाल भाई के पढ़ो ना, वो कहते हैं कि सुनने सुनाने में ऐसा लगता है जैसे देवदूत आ, कैसा आदमी, हमें तो मिलता नहीं सुनने। अरे भैया हम बहुत घुट चुके, बहुत घूम चुके, बहुत उपवास करे, बहुत इज्जत करे, मुश्किल से बात समझ में आई, ये कही आवश्यक। इतना अब अवलंबन बढ़ गया है कि हमारा मन सुनाने में नहीं होता, सुनने में नहीं होता, हटल। सोचो जीव को आत्मा कितनी अच्छी लगी होगी जब ये शब्द निकले, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सा। तो आज की गाथा क्या है, कौन बताएगा। मदरा का पान, उल्टी उल्टी सी लगती ना, सुन पढ़ते ही ऐसा लगता झटका, आज शराब पे आ गए, कोका कोला लिखते, पेप्सी लिखते, कुछ ऐसा लिखते, भांग लिखते, कोई ऐसी चीज लिखते, एकदम से ऐसी ऊंची बात, वो तुम्हें कहे धक्का तो लगता नहीं, हमें थोड़ी सोचने के लिए जगह दे। कोई अरति भाव से मदरा का पान कहे, अरति लिखा याने विरक्त है, विरक्त यानी बैरागी हृदय, बैरागी यानी आत्मा का उल्लासी जीव है, आनंद इतना उल्लासित जीव से आता है कि उसका मन ही नहीं जाता यहाँ, उसको कहते विरक्त से फट गए। विषयों में जिसे रस नहीं दिखता,
आत्मा में इतना आनंद आता है कि याद नहीं आती, जिसमें में रस नहीं है इतना कहने को फुर्सत नहीं, ये कहने में भी इतना समय काय को बर्बाद किया, यहाँ कुछ नहीं बस सीधे यहाँ तक। आत्मा ही जानने में आता, जानना नहार जाना, ऐसे कहते ना मन कि ये तुम्हें कहिए कि तू करना नहीं है जानना नहार, तो जानना नहार जानने में आता है भेदे बोले इसमें भी धर्म नहीं होगा, परंतु तुझे वहां से लौटाने में कहा कि तू करना नहीं है जानना, जानना जाना छे, यानी कभी भी दो चीजें बता रहे, अरे जानना जाना छे नहीं मैं ही जानना नहार, कहां धर्म है और कहां मान बैठ, ये दो ही टेम मंदिर जाते पूजन करते स्वाध्याय करते, अरे तुम ये बताओ आत्मा जानते हो कि नहीं, कि बस इतना ही रहेगा, पेपर देने जा रहे हो कि पढ़ाई भर नहीं कर रहे और सब। कल ज्ञान की सामर्थ बताई, आज काय की बता रहे वैराग्य की सामर्थ, हाँ ज्ञान और वैराग्य में अंतर ये है कि ज्ञान से ज्ञाय को प्रसिद्ध करना, देखो ज्ञान शास्त्र से पढ़ना ये सिद्धि कहला, ये आत्मा उसे कहती जो जानता, ये सिद्ध कि जहां जहां जानना वहां वहां, अब उसी ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध होगी, अनुभव आ गया, आत्मख्याति होगी, तो आप रूप को जान पनोसो सम्य ज्ञान कला है। इतने भीड़ भाड़ में द्रव कर नौकर भाव कर रहते हुए भी एक्सरे की तरह उसने आत्मा पकड़ लिया सब दुनिया से कि मैं तो जीव हूं और कुछ, तो इसको कहते आप रूप को जान लिए, आत्मज्ञान ही ज्ञान, आत्मा को जानना ज्ञान, और अब कुछ भी मेरा नहीं है ये हो गया बैराग। बैराग क्यों कह रहा है साथ साथ क्यों रखा, एक क्यों कहती एक ही चीज कह देना थी कि भैया तुझे ऐसा अभ्यास उसका है, अरे इसके बिना कैसे रहे इसके बिना कैसे रहे, इसी का नाम घोर अपमान मिथ्या, पैसा नहीं शरीर नहीं कैसे रहे कैसे रहे, खूब वो आप सोचना कितने पढ़ लो और आपका वीट जाता है तो वो बिना मतलब की बात है, अप्रयोजन भूत, यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, एक परमाणु नहीं और पूरा वीर अपना नष्ट होता संयोग, तो कहते ये सम्यक दृष्टि धन है जिसकी नजर तीन लोग से हट गई, ये नास्ती से कहा आप किंचन और ब्रह्मचर्य दो धर्म है कि एक धर्म है, एक ही धर्म है और देव बताने में दो बताए, कुछ भी नहीं नास्ती और सब कुछ ब्रह्म है, यस ये योगी और इसे छोड़ना भोगी, तुम बिल्कुल भी सेवन नहीं करो तो भी आत्मा नहीं जानने वाला भोगी है, क्योंकि उसके अभिप्राय से विषयों का सुख नहीं, पंडित जी की प्रवचना थे वो के जब तक ज्ञान नहीं तब तक मान, मान क्यों है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं तो दिखता नहीं देखते नहीं हो, एक एक बात में माने जरा सा हम पढ़ लेते तो ऐसा लगता जैसे हम बहुत जाने, तो ये कहां से आ गया कि बहुत जानन हार को भूल गया है सर्वज्ञ स्वभाव को, अब क्षणिक क्षयोत्सम ज्ञान में आमा मदा अरति भाव से सेवन करने वाला जीव, पेज नंबर है 350, जैसे कोई पुरुष मदिरा को कैसे पीता है हरति भाव से पीता है, ये मदिरा भी पिए और अरस से पी, अन्न मत में चलते ना कि भैया तुम तो कर्म करो फल की चिंता है, कर्म करो फल की चिंता, ऐसा भी कोई होगा कि पानी भरो और पियो, कि ऐसे ही है अन्न मत में कि तुम तो अपना कर्तव्य करो देने वाला ऊपर विधाता है, तो करता कोई और भोगता कोई, वहां पे ऐसी गंदपन चलता हो अन्न मत भोगता ये जीव। पूछा एक व्यक्ति ने श्री श्री साहब ये कोरोना कौन ने कर, ये भी भगवान ने कहा, अब बताओ तो उत्तर दे, कोरोना ही भगवान ने फैलाया क्या, तुम तो हर चीज में करता करता है, भैया वो तो डिक्टेटर है वो तो देखता है दुनिया के लिए, निकल रही है तुम जैसा रील निकल रही है होगा अपने अपने त्रिनी उनके पास, कोई व्यक्ति अनासक्त भाव से कम करे, अरे करने का भाव ही आसक्ति, अनासक्त क्या होता है, जैसे अरति भाव से पिए, अरे पिए ही नहीं रहा पीना पड़ रही जगत को देखकर,
एक नशा वो है जो जगत को मदिरा और भांग और इन चीजों का दे, और एक नशा अध्यात्म का हो जो भांग खाई थी ना अपने बनारसी दास से, अध्यात्म की भांग खाई, उनको भी नशा चढ़ा था आएगा अपने में रमने का, और ये भी नशा कहने की, जैसे सुमंत बद्री ने कहा हे भगवान हमें तो भक्ति का व्यसन, अब ये भी व्यसन कहा, व्यसन यानी आदत, आदत यानी वही वही चीज अच्छी है, तो भगवान के पास अच्छा लगता ज्ञानी जन, क्योंकि भगवान अपने भगवान को बताने में निमित्त बन, इसलिए नहीं आता मंदिर के मंदिर में आने से धर्म हो जाए, इसलिए आता है कि अपना प्रयोजन हमें जहां बने वहां बनिए बनना पड़ेगा। चतुराई जैसे कोई पुरुष मदिरा को यानी नशे चीज, ये असल में ये बड़ी शब्द इसलिए डाली जाती, तुम सोचो तो अव्यक्त का, तो कोई अव्यक्त होता है, आत्मा प्रगट छठवीं गाथा में कह रहे हैं प्रगट प्रकाशमान ज्योति, और फिर वहां 49वीं में अव्यक्त कह रहे हैं, तो अव्यक्त क्यों कह रहे हैं, यहाँ लिख देना कोई, यहाँ नहीं देख, यहाँ नहीं पढ़, तो फिर क्या होगा, ये ऐसा लगेगा कि क्या लिखा है, क्यों क्यों ऐसा क्यों लिखते कि नहीं पढ़ो नहीं देख, तो वो बार बार देखने का भाव आए, इसीलिए आचार्य ने एक शब्द नाम क्या डाला, अव्यक्त यार, अरे वो कह रहे प्रगट है और अव्यक्त क्यों डाला, कि ये पांच इंद्रियों के विषय तेरे लिए प्रगट व्यक्त देखते हैं ना, हमें उनसे नजर हटवान, इसलिए इसे अव्यक्त नाम है ना, छठवीं गाथा 49वीं गाथा के छह छह फूल है, छह द्रव्य व्यक्त है भगवान आत्मा, पहला फूल, दूसरा रागादिभाव व्यक्त है भगवान आत्मा, तीसरा फूल इंद्रिय ज्ञान से ये जगत के पदार्थ से दो रहे व्यक्त हैं और भगवान आत्मा इनसे न्यारा अव्यक्त, भाव इंद्रिय से ये विषय बनते हैं ये अव्यक्त, साधारण साधारण द्रव्य एक एक विषय को जाने, ऐसा छे छे फूल लिखे एक आपके चित्त में बिठालना है कि तू भगवान है, भगवान है, तुझे कुछ जरूरत नहीं करना नहीं पड़ता, अनुभूति करने की भी कोशिश मत करना, अच्छे से सुन लो ये जैसा, वो कह रहे कुंद कुंद देव कहेंगे जीव राजा को जानो, और अमृत चंद देव कहेंगे नहीं जानो, जानने में आ रहा वही आत्मा कहलाता है, तुम सोचो तो भगवान कितना सरल करके, एक कुंद कुंद देव से बड़े हो गए कि अमृत चंद, बड़े नहीं हो गए, उसका भाव बता रहे कि जब उनने कहा था जानो तो तुम यहाँ वहां देख रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आत्मा जानो, यहाँ देख रहे थे ना तब कहा, और जब वो कहले कैसे जाने कि जानो नहीं तुम ही जाने था, इतना सरल कर सकता कोई करने के नाम से, जैन शासन में कोई जगह तो बताओ कि द्रव्य में करोगे गुण में करोगे कि पर्याय, पर्याय की हीर भी करने का स्वभाव नहीं, पर्याय कैसी होती है, तस समय की योग्यता से होती है, जन्म क्षण है पर्याय सब, वो अपने काल में हुए बिना बहती नहीं है, अरे उत्पाद व्यय को नहीं करती दूसरे की चर्चा के, जब संसार की तत्व प्रज्ञापन पढ़ो तो सारा भाव होता है, क्रमबद्ध की कौन सी कथा है, पढ़ो रोटी वोटी बनाने में ज्यादा समझ नहीं आता, 308 से 300 कितना बड़ा सिद्धांत, भगवान ने ब्रह्मांड का सब रहस्य उड़ेल दिए, अपन लोगों को घुड़ सकते हैं, हम कल की गाथा पूछ रहे थे सब ऐसे हुए, जी कौन सी पढ़ाई, ये छोटे बच्चे तो है नहीं कि वीर और सिद्धि प्रसिद्धि तो उनको डांट दिया जाए, ये तो सब बड़े बड़े भगवान बैठे, इतना तो जुड़ान होना चाहिए भैया कि क्या चल रहा, हमें क्या बता रहे जनवान, कितना भार उतार, हमें भगवान कह रही तुझे कुछ नहीं करना उसे आत्मा कर, अनबोला अनहोना तत्व का नाम है ज्ञायक भगवान, निष्क्रिय चैतन्य बिंब, अब वो ऐसी दृष्टि वाला जिसमें आनंद ही आनंद भरा है वर्चक लवालब, उसमें से आनंद बरस रहा है अति निराकुलता का, अब वो बताओ सड़े मांस की तरह देखे, चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसारी के भोग और काग वीर सब कौन, सम्यक दृष्टि लोग यानी आत्मा मानने वाले, मदरा को कैसे पीता है अरति भाव यानी पीने का मन नहीं नहीं होता यानी अच्छा नहीं मान, अच्छा नहीं मानता यानी आत्मा इतना अच्छा लगा है कि अब कुछ भी पीने लाए कुछ भी खाने लाए, हम तो फिर क्यों पी रहे, प्रश्न तो ये कि हम इतना सुनते हैं
आपको ये हम इतना सुनते हैं समझते हैं पंतों से यार परिणाम कोई दुकान धंधा काम कोई दिक्कत अरे रे तुझे श्रद्धा और आचरण का भेद नहीं समझ। अरे आचरण का पक्ष तो अभी क्रम से दूर होगा, अभी तो श्रद्धा बदल गई ना तो बहुत बड़ी तकलीफ बदल जाएगी अनंतान मंदिर में, फिर वो आचरण में धीरे धीरे आ जाए। हम क्या चाहते हैं अभी राग ना हो एक विकल्प ना हो तब हम माने समय सार से। ये कह रहे विकल्प आन दो कितने आते हैं हम अपने को ज्ञाते देखेंगे, हमारे ज्ञान में भीतर प्रवेश ही नहीं कर। पढ़ाई तो ऊंची चल रही बहुत, कोई पुरुष पुरुष किसे कहते हैं पुरुषार्थी को, पुरुष जो अपने नगर में रहता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा जो पुर में बसे उसे पुरुष। अमृत चंदेव कहते हैं पुरुषार्थी को पुरुष, कहाँ लिखा 39 से 44 गया था लिखा कि क्लीव है पुरुषार्थी, तुरमी लिखा पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पुरुषार्थ कहो तो विकल्प करता, सेहत कहो तो प्रमादी होता कैसे रोग है इसे भाव नहीं समझ आते कि सेहत कहते हैं कि तुझे कर्तव्य तो तोड़ने के लिए अरे पुरुषार्थ छोड़ दे, पुरुषार्थ यानी उछल उछलना चाहिए वीर, इतना अच्छा ऐसा लगे तो कितनी अच्छी बात, तो वीर उछले उसको पुरुषार्थ मत वाला नहीं होता, नशा नहीं चल नशा नहीं चलता है असर ही नहीं करता, पर द्रव्य का सेवन करने का जो परिणाम आया वो असर नहीं करता, करोड़ों का वैभव बढ़ता जाता है और मद नहीं आता, ज्ञान बढ़ता जाता ज्ञान मन नहीं है, सुंदर इतने दिखते हैं कि ऊपर से देव आते और ऐसा लगते नहीं कि मेरा शरीर, ये क्या है अशरीर ही सिद्ध भगवान देख लिया, इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति कैसा है हरा आरत आरत यानी क्या कहला अरे नहीं रत यानी लीन, मन ही नहीं लगता, मन नहीं लगता क्या लगता है मन बाहर से तो मन लगता है और भीतर से नहीं लगता, बाहर और भीतर क्या होता है मेहमान को कैसा मन बाहर से इतना ज्यादा प्रेम और आदर देते हैं कि अपने लड़के बच्चे को डांट चलो तो बाद में खान नहीं पंडित जी आए नीचे बैठो की पूरी जायदाद होती कि सब कुछ और उसको कहते नीचे बैठ देखने में बाहर से कैसा लग रहा कि कितना समान ऐसे सम्यक दृष्टि का जीवन जीव को कैसा लग रहा अरे रोज शादी कराते कैसी कैसी हमारी समझ में नहीं आ तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम शादी कराते देखते हो ना आत्मा कहाँ देख न तुम्हें नौकर भिन्न दिख रहा है न भाव कर्म भिन्न दिख रहा है न द्रव्य कर मैंने देख रहा है, आत्मा न देखने से कुछ नहीं दिखता ठीक है। जैसे कोई पुरुष पुरुष यानी पुरुषार्थी यानी आत्मा आत्मा को पुरुष के जैसे कोई पुरुष मदरा के प्रति मदरा का अर्थ क्या लगाना कोई नशे लिए नशा का आजकल मदरा यानी चाय आजकल मदरा यानी काफी चाय से बड़ी मम्मी है काफी उसमें ज्यादा नशा चाय में कम नशा दुई जहर कौन समझे अंग्रेजों की भगत अपन अंग्रेज चले गए अंग्रेजी नहीं लेगा डालडा छोड़ रहे कोई अरधि भाव से जैसे नशेल पदार्थों का सेवन करता है तो तीव्र रति से यानी बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब देते उदाहरण कि गांधी जी जेल में डले तो वे उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया अनशन कर रहे तो वे अंग्रेज मुंह से नली डालकर और दूध डालते थे कि जो बुड्ढा मर नहीं जाए नहीं तो हम लोगों की चटनी बढ़े तो वो बुड्ढा मर नहीं जाए और वो उपवास करे बैठे तो बताओ उनका उपवास भंग हुआ कि नहीं जनेन है ये कह रहे हो गया अरे नहीं हुआ उपवास कब भंग हो ये मन में आ जाए कि खाना ऐसे ही मन में आ जाए कि इनमें सुख है इनके बिना मैं कैसे रह अब इसे बंद होगा बंद भी कितना अकल वाला होगा सचिन तो उसे इतनी अकल है कि कौन कौन कैसे भाव से करना उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है और प्रकृति की व्यवस्था तो देखो किस भाव से सेवन कर रहा है उस जाति का बंद एक ही घर में रावण के घर में मंदोदरी तीर्मेश्वर विभीषण तीर्मेश्वर इंद्रजीत कुंभकर्ण भूख और रावण नरक संसार सब अपने अपने प्रणमन की योग्यता से
आप गाथाएं भी पढ़ो, लगाना आत्मा कितना है, आत्मा जानने पर कितना अच्छा रहता है। ये सब विषय नहीं छूट, अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, ये छूटने की तैयारी कर, कैसी दुकान छूट जाए, कैसी मकान। बड़े पंडित जी बोल रहे थे एक दिन, ये भगवान आपकी कृपा से दुकान अच्छी चले। तो भगवान बोले, भाई मेरी कृपा से तो दुकान बंद होती है, तो गलत दुकान पे आए। हे भगवान हमें नौकरी मिल जाए। कि भैया तो ये नौकरी छुड़ाने वाले भगवान है, ये भगवान मनाने वाले, तू कहाँ मांग रहा है, तुझे अकल नहीं है, किससे क्या मांग रहा है। ये भगवान हमारी शादी हो जाए, अरे ये तो छोड़ छोड़ के आए, तुझे पता ही नहीं कि किससे क्या कहा जाए। अपने तुम भी आत्मा हो, नेता सा नहीं मानो तो समझ नहीं, कब लगाओगे। अच्छा अगली पर्याय में क्या भी? अच्छा ये बताओ, नितासा नाम का कौन सा द्रव क्षेत्र नहीं है, कर्म नाम का द्रव अलग है कि अलग करना लगाते जाओ, नौ कर्म भी अलग और द्रव्य कर्म भी अलग, और जो भाव होते हैं तुम करते हो कि होते होते तो तुम्हारे कहाँ है, तो तुम अलग तो होते ऐसा मानते हैं, आपका आपकी गाथा मनुष्य अपनाने नहीं चाहे, पढ़ते हैं साथ की समय। अरे इसी समय हम आत्मा है, ज्ञाता है, हम नहीं खा रहे, नहीं बोल रहे, नहीं सुन रहे, इस समय भी हमें ज्ञान ज्ञान से हो रहा है, इस समय भी एक भी पर्याय सापेक्ष नहीं हो रही, निरपेक्ष परिणति प्रकट हो रही। इस समय किसी को वाणी से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान कहाँ से हो रहा है, ज्ञान में से ज्ञान हो रहा है, तो आप इस समय दृष्टि हो रही। हम मानते नहीं है, सुरभि मानते तो मानते, आत्मा मान लोगे तो फिर ऊपर चले जाओ, या अभी नहीं मान। तीव्रता काय की है, प्रक्रिया, इसके बिना नहीं रहते, रोग है ना, तो वो जिसे मालूम है कि दवाई पर द्रव्य खाई नहीं जा रही, कड़वी लग, जब बताओ तीव्रता से मांगेगा, धीरे धीरे मांगे, तब तक मैं ध्यान हो तो दे दो भैया, हम डरे हैं, हमें कोरोना हो, ऐसे करता हूँ, देखो अभी तक दवाई नहीं दी, ऐसा मांगे तो फिर खाते ही रहना पर जीवन, कहने नहीं ऐसी बात नहीं, 14 दिन की बात फेंक दें। बाहर में तीव्र अरति अंदर से है और बाहर में तीव्र रति दिख रही है उसकी, एक जानकारी है और एक भीड़ है, एक स्टडी है और एक भीड़ है, एक श्रद्धा है और एक आज, एक ज्ञान भीतर काम कर रहा है, मुझे पता है कि मैं नहीं भोग सकता है, ये सब में ज्ञान भीतर बैठा बताता, और एक अस्थिरता वाला ज्ञान, वो कह रहे नहीं अभी पानी चाहिए, अभी चाहिए, अभी बहुत प्यास है। ये ज्ञान में दो भाव घटा, ये ज्ञान जो वेदन करके आया कि मुझे वहां कुछ रस नहीं है, जो विषयों में आता था वो ढेर था ही नहीं वहां, एक सब में ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कुमारी वाला ज्ञान, ये बोलता है इसमें कुछ दम नहीं, और ये कहता है हम ठहर नहीं पाते, हमें बहुत जोर से कहना, कैसी समझ में आई। 38 गाथा पढ़ना आपको अभी जाकर, कौन सी नियम था इसमें लिखा कि सम्यक दर्शन होता है तो 7 तत्व की प्रतीति से, और तुमने हे कर दी साथ जीवादि भैर तत्म हे, भाई तो हमें तो सब पढ़ाया था कि 7 तत्व को समझना चाहिए, उपा दे कि भैया तू विकल्प में पढ़ा ये हे 7 तत्व, पर जिसे आत्मा की रुचि होती है उसे 7ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही भीतर हो जाती है, वो विकल्प एक नहीं कर, अजीब अजीब दिखता है श्रद्धा ने। ऐसे ही जिसे आनंद आता है जब आत्म अनुभव आवे, बहुत अभी समझो अनुभव तो बहुत दूर, अभी भी जितना स्वावलंबन है उतना अच्छा लगता है, बात की बात है, कितने घर गृहस्थी के अशुभ लाख से बच के आए तो मंदिर में अच्छा लगता है कि अभी फीलिंग करो तो आप कहोगे कितनी अच्छी चीज है, परंतु अभी आत्मबल नहीं है ना तो एकदम से करवट बदल लेता है, फिर अशुभ में चलता, क्योंकि इसे वो बागडोर नहीं पकड़ने आ रही ना, ये अशुभ से बच करके शुभ में लगने नहीं भेजा था, अशुभ से बचने पर सोचने भेजा था कि देख मंदिर में इतने अशुभ नहीं होते कितना अच्छा लगता है, तो जिसके बल से शुभ भी नहीं होगी तो कितना अच्छा लगे। अपन समझते हैं मंदिर में आना धर्म, ये कह रहा है कि मंदिर में आने पर ये समझो कि बाहर जाना धर्म नहीं है, आत्मा में धर्म धर्मी। बड़े पंडित जी इसको बहुत अच्छे समझाते कि वो चरणानुयोग मोक्ष मार्ग का साधन नहीं, बाह्य निवृत्ति के लिए, और हमने उसमें संतोष धारण कर लिया, ये अपनी गड़बड़ी,
चरणान युग अपने आप में मोक्ष मार्ग नहीं है, पहली किला, पर उसके बिना निवृत्ति नहीं मिलती। तुमसे दुकान पे बैठ के चर्चा करें हम ये वाली, तो तुम सुन नहीं सकते तीव्र सुन। तो ये मंदिरादि जो धर्मायतन बनाए हैं, तो धर्मायतनों में बात सुनने मिलेगी, प्रैक्टिकल यहाँ प्रयुक्ता। जैसे कोई पुरुष मदरा के प्रति इसको तीव्र रति भाव प्रबल, बिल्कुल इच्छा नहीं है कि एक भी परमाणु को हम कभी अपने अधीन बनाए, ऐसी श्रद्धा हुई किसी घर में रहे। कल हम किसका सुन रहे थे, बाबूजी का सुन रहे, तो बाबूजी कह रहे थे कि मुनिराज समय आहार के लिए निकलते हैं तो उन्हें शर्म ऐसी ऐसी विकृत मुद्रा बताते कि देखो ये हमारा शोभनीय काम है, हम गाय के लिए निकले सुद्धोपयोग को भोगते भोगते भगवान बने, अरे रे सुद्धोपयोग में नहीं ठहर पाए, अब ये हार के लिए गृहस्थ किया जाना पड़ा, इसको हम छोड़ के आए, उसके वो ऊपर हाथ करे और हमें नीचे करे, ये बिल्कुल शोभा नहीं। तो बोले नग्न रहने में लज्जा नहीं आती उन्हें, पर भोजन करने में लज्जा आती कि कब छू, अब ये हृदय कैसे पढ़ोगे, उनके हृदय को पढ़ो आप तो लगेगा कि अरे अपन समझ रहे थे भोजन में बहुत अच्छा लगता होगा महाराज जी एक टाइम खा रहे, तो ऐसा लगता है कि आनंद अमृत पीने के लिए जीवन मिला है और ये किसको खिला रहा हूँ, इसे खिलाने से मुझे क्या मिल जाए, स्थिर रह नहीं पाता शरीर, निकलना पड़ा। 7 महीने 9 दिन निकले और ऐसा लिखा साथ में कि आदिनाथ बिल्कुल आहार नहीं लेते तो चल जाते, इतनी ताकत होती बजे विषम नाराज से नंदी सारी। परंतु एक तो आमनाएं चलाना पड़ता थी धनकर का जीव, दूसरा विकल्प आया टूट गया जब टूटने लगे, तो तीव्र रति अंदर से है कि ये सेवन करने योग्य और मदरा को पीने पर, यानी आप समझ लें ना मदरा वजनदार शब्द के नाम से लिखा है, मदरा यानी कोई भी नशे चीज लेने पर तीव्र रति भाव के सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता, यानी वो खीर खाई और टका जी, कौन सी पद्धति, तुम्हें आत्मा की टका नहीं आती, तो उनको ऐसे प्रसंग बनने पर भी आत्मा नहीं भूलते, मतवाले नहीं होते। ज्ञानी भी जागादी भाव के भाव से सर्वद्रव्यों के उपभोग के प्रति इसको तीव्र वैराग, वैराग यानी कौन बताएगा आत्मा, वैराग यानी अनासक्त भाव, से चित्त फट गया, लाश आत्मा का इतना गहरा है कि उस तरफ मन नहीं जाता, मन जाता तू बन, मन नहीं जाता यानी हृदय नहीं जुड़ता, और मन जाता यानी उपयोग फिर भी नहीं जुड़े तो फिर वो सेवन कैसे करेगा, उपयोग जाने पर भी नहीं जानता ज्यादा प्रशांत, तो दो उपयोग है क्या, नहीं दो नहीं है एक ही है, एक उपयोग जो बेध चुका है अपने को और एक उपयोग जो अस्थिरता से खड़ा हो रहा, तो वो बेध चुका है, वो आनंद छूटते ही नहीं उसके दिमाग, और फिर भी टिक नहीं पाता था जा। ये कला है यदि अपन को समझ में आ जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि वही आत्मा है अपन जो सिद्ध भगवान, जैसे सिद्ध भगवान है ना, ऐसे दिमाग में ऐसा बिठाल के चला करो, अरे मैं सिद्ध मम स्वरूप है सिद्ध भगवान, निश्चय नैसे की व्यवहार नैसे प्रिया के पाप है, निश्चय नैसे अपन सिद्ध है की व्यवहार नैसे, अरे नए नहीं लगती वस्तु में बताए रहे में नहीं लगते, बस वास्तव में जीव सिद्ध और बनावटी में संसार। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।
Thank you.